गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैंने व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट किया, पर एक दिन मेरा ख्याल आया कि मैं व्लॉगिंग करना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी में तमन्ना रहेगा और मेरे ख्वाहिश रहेगा कि रास्ता मिल ही जाता तुम चले ही नहीं। बात बताने वाला हूँ कि आप लोग भी एहतियात करें, बाहर कम निकलें, और कोरोना का जो पांचवा नंबर लहर है वो इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि बाहर कम निकलें जितना हो सके। तो अभी मौसम भी बाहर बहुत ही प्यारा मौसम है और काफ़ी इंजॉय करने लायक है। ये जो पांचवा नंबर लहर है इसमें मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कोरोना के अंदर मुब्तला हो गए हैं और उनका तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो उनके लिए भी दुआ करते हैं। और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें बाहर ना निकलें, क्योंकि कोरोना बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और मेरे ख्याल में अभी इसका इलाज भी नहीं है। तो वैक्सीन है, लेकिन वैक्सीन के बाद भी अभी पांचवा लहर आ गया, मतलब कि कोई इसका हल नहीं है, तो कोशिश करें बाहर कम निकलें। आज मौसम काफ़ी प्यारा है और बाहर निकलने का मन भी कर रहा है, लेकिन क्या करें, कोरोना की लहर चल रहे हैं तो उस वजह से आज कल बाहर नहीं निकल रहे हैं हम। ये बाहर का व्यू है, गंदम का संग है ये काफ़ी तैयार हो चुका है, बाकी इसमें तकरीबन एक से दो है, इसके अंदर दाना भी अभी तैयार हो गया है, तो हो सकता है मार्च के स्टार्ट तक ये तैयार हो जाएगा। बस अभी इसके सूखने का देर है, जैसे सूख जाएगा तो फिर इसकी कटाई होगी, फिर उसके बाद इसको तैयार किया जाएगा मशीनों के थ्रू। सनसेट का टाइम हो गया है और काफ़ी मौसम प्यारा है।
कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। कोई इलाज नहीं, नहीं का कोई इलाज नहीं, और वो रोज़ कहता है कि आज नहीं।